दोस्तों इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केक कूर के बारे में। रिसेंटली दोस्तों इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, जो कि दोस्तों 31 तारीख के बाद इसकी जो है माइनिंग बंद हो चुकी है। अब दोस्तों लिस्टिंग का जो टाइम है वो आ चुका है, तो उसी के रिलेटेड दोस्तों अभी 1 अगस्त को बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों यहाँ पर आपको केक को दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा कॉइन मार्केट कैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर दोस्तों आपको DEX डेक्स और यहाँ पर आइसक्रीम स्वेप और शेडो स्वेप जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजों पर दोस्तों यहाँ पर आप कोर को सेल आउट कर पाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। इस रिलेटेड दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने अपना जो रोड मैप है वो बनाया है, उस तरीके से दोस्तों ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। और ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है वो आपको जब आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा और जो आपके कॉइन हैं 840 कॉइन होंगे, तभी आपको जो है KYC करने का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों अब ऐसा है कि जिनके 840 के कोर कॉइन नहीं हुए हैं उनको तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी उनका जो है KYC हो पाएगा। वैसे तो सभी की KYC होंगे, लेकिन जिनके 840 कॉइन नहीं हैं उनकी KYC अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दिए जाएंगे। और जैसे ही ये लिस्टेड होगा ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है मार्केट के अंदर दिखा सकता है। और दोस्तों आप जब KYC के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम दोस्तों 10 डेज़ के अंदर जो आपका वेरीफाइड है वो अकाउंट हो जाता है। यदि अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता है तो अनवेरीफाइड हो जाएगा। मेरा जो अकाउंट है मैंने अप्लाई किया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यदि आपने उस तरीके से अप्लाई किया होगा तो आपका KYC कंप्लीट हो गया होगा। मैंने बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाया है और मेरा जो KYC है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लोड ले रहा है। यहाँ पर मैं अकाउंट पर क्लिक करूँगा। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है मार्केट के अंदर। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मेरा आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, दोस्तों यहाँ पर मैंने जो वेरीफाइड है वो कंप्लीट कर लिया है। यदि दोस्तों आपका किसी वजह से KYC रिजेक्ट हो जाता है तो आपके जो 300 कॉइन है वो डिटेक्ट हो जाएंगे। ये दोस्तों फिर से अप्लाई करने के लिए आपको मैक्सिमम 840 जो कॉइन है वो चाहिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एंड दोस्तों इनका जो रोड मैप है, जिस तरीके से इन्होंने रोड मैप बनाया है, एंड दोस्तों इन्होंने बोला है दोस्तों यहाँ पर अगस्त का महीना जो चालू हो चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर एयर ड्रॉप स्टार्ट जो मतलब जो है स्टॉप हो चुका है और स्टॉप ICO भी हो चुका है। अब दोस्तों ये 15 अगस्त के बाद से ये विड्रॉ प्रोसेस अपनाएंगे। एंड दोस्तों ये सितंबर में ये बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टेड होगा। अक्टूबर में दोस्तों ये मार्केट प्लेस बनाएगा। एंड दोस्तों ये जनवरी 2024 के अंदर प्ले इज अर्न का जो ऑप्शन है वो भी लाएगा, जिससे मेटावर्स में ये एंट्री कर पाएगा और इसका जो वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छा आपको हाई देखने के लिए मिलेगा। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कुर भी यदि आपने छोटा सा भी एयर ड्रॉप से कोर कलेक्ट किया होगा, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली फ्यूचर में काफ़ी जो बेनिफिट है वो होगा। एंड दोस्तों आप साथ में कोर डाओ की भी जो माइनिंग है वो आप कर रहे होंगे। यदि आप कोर डाओ की जो माइनिंग है वो नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत पीछे रह सकते हो। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारे जो एयर ड्रॉप हैं वो चलते रहते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और यहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी यहाँ 20-25 हज़ार रुपये निकाले हैं। यहाँ पर आप जो है एयर ड्रॉप यहाँ पर डेली बेस पर यहाँ पर क्लेम करते रहेंगे। एक राउंड में 25 जो राउंड होते हैं, तो यहाँ पर मैं क्लेम पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो मेरे OKX और बहुत सारे जो कॉइन है वो मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको कोर कॉइन भी मिलता है और यहाँ पर OKX कॉइन भी आपको मिलता है और ये जो अलग अलग एयर ड्रॉप हैं ये भी मिलते हैं। तो दोस्तों OKX भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ये एक्सचेंज का एक टोकन है, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री एयर ड्रॉप है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो कॉइन हैं कलेक्ट किए थे अपने यहाँ पर कोर के, यहाँ पर आप देख भी सकते हो ट्रांसफ़र। यहाँ पर देखिए मैंने 94 के कोर यहाँ पर ट्रांसफ़र किए थे अपने मेटामास्क वॉलेट में, जिसकी वैल्यू दोस्तों जब ये लिस्टेड हुआ था अभी तो $1 के अराउंड में चल रहा है। जब ये लिस्टेड हुआ था तो दोस्तों $4 से $7 के बीच में था, यानी दोस्तों मुझे 20-25 हज़ार रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छी जो वैल्यू है वो केक कोर और कोर डाओ, ये दोनों प्रोजेक्ट अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देंगे।
तो दोस्तों ये था केक कूर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ नई जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है, कब कैसे और कहाँ ये एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगे और KYC कैसे आपको बिल्कुल वेरीफाइड करना है, सब कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी है। दोस्तों आपने KYC का फुल वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए और चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।